दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसकी कल्पना करना ही असंभव है। मनुष्य ने अपने अस्तित्व की खोज करने में कई सदियां खर्च कर दी हैं, लेकिन हम तुच्छ मनुष्यों को यह आज तक पता नहीं चल सका है कि हमें बनाया किसने है और आखिर क्यों बनाया है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे अगर मनुष्य जान लेगा तो इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य भी सुलझा लेगा। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है कि वह कभी भी अपने रहस्य सुलझने नहीं देता, और इसी ब्रह्मांड को जानने में मनुष्य पिछली दो सदियों से लगा पड़ा है, क्योंकि धरती पर तो उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी है जो हमारे और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में बता सके। और जब इसीलिए मनुष्य धरती से परे अंतरिक्ष में खोज कर रहा है, इस उम्मीद में कि या तो वह मानव जाति और अंतरिक्ष का बनने का मकसद ढूंढ लेगा या फिर दूसरे ग्रहों पर अपने जैसे प्राणियों को ढूंढ लेगा। लेकिन अभी तक इन दोनों ही कार्यों में असफल ही रहा है। लेकिन इसी अंतहीन खोज में उसे अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीजें मिल गई हैं, जिसे सुलझाना मानव जाति के बस की बात तो अभी नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसे प्रमाण देती है कि शायद मनुष्य की यह दुनिया अकेले इस ब्रह्मांड में भटक नहीं रही है, किंतु कुछ और दुनियाओं का भी अस्तित्व इस ब्रह्मांड में जरूर है। दोस्तों, बड़ी मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है और उम्मीद है यह कि इस YouTube की अनंत भूल भुलैया में यह भी कहीं खो जाएगा। इसीलिए जिन थोड़े बहुत लोगों को भी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे कि मनुष्य को अपने अस्तित्व की खोज करते करते अंतरिक्ष में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य मिल गए हैं जो यह साबित करते हैं कि मनुष्य के अलावा भी इस ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया का अस्तित्व जरूर है और वहां जाया भी जा सकता है। लेकिन मनुष्य अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह उस रहस्यमय दरवाजे को खोलकर दूसरी दुनिया में जा सके। दोस्तों, यह रहस्य है अंतरिक्ष में मिले व्हाइट होल्स का। यह व्हाइट होल्स किसी दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रास्ते से सिर्फ आया जा सकता है, लेकिन इसके दरवाजे से जाया नहीं जा सकता। यानी यह सिर्फ एक तरफ का रास्ता है। जो आखिर इस व्हाइट होल का दरवाजा है, आखिर है कहाँ और क्या मनुष्य इस व्हाइट होल के दरवाजे को ढूंढ सका है जिससे वह भी किसी दूसरी दुनिया में जा सके? चलिए जानते हैं। व्हाइट होल का दरवाजा मनुष्य ने बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन उस समय आज तक वह सिर्फ इस दरवाजे का दूसरा छोर ही ढूंढ रहा था। दोस्तों, व्हाइट होल्स का दरवाजा है ब्लैक होल। चलिए पहले जानते हैं ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स अनंत ब्रह्मांड में मौजूद वह दरवाजे हैं जिससे किसी और दुनिया में जाया जा सकता है। यह ब्लैक होल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं, जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज, चाहे वो कोई हमारी धरती जैसा ग्रह हो या सूर्य की रोशनी, यह ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर समा लेते हैं। अगर यह ब्लैक होल आपके सामने भी आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से रोशनी भी टकराकर हमारी आंखों पर वापस नहीं आती, और इसीलिए हम सब इसे अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में यह दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे यानी कि ब्लैक होल्स अनगिनत मात्रा में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ इतने विशाल और विकराल हैं जो करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रहों वाली पूरी आकाशगंगा भी अपने अंदर समा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें इस दूसरी दुनिया के दरवाजे यानी ब्लैक होल्स के बारे में तो पता चल गया, लेकिन हम इस रहस्यमय ब्लैक होल्स को दूसरी दुनिया का दरवाजा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह होता है, जो अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है, लेकिन इसके अंदर गए हुए ग्रह, पिंड और रोशनी जाती कहाँ हैं? चलिए वह जानते हैं। दरअसल इन ब्लैक होल्स के दरवाजे को दूसरी छोर किसी और दुनिया में जाकर खुलना होता है,
और जो सूर्य की सारी रोशनी इसके दूसरे छोर यानी ब्लैक होल में चली गई है वह सारी इसके दूसरी दुनिया के दरवाजे से निकलती है, जिसे अंतरिक्ष में अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है। और साथ ही वह सारे ग्रह पिंड में निकलते हैं जो उसने दूसरी दुनिया से अपने गर्भ में ब्लैक होल के जरिए समा लिए थे। और यही कारण है जब इस व्हाइट होल्स के जरिए से बहुत तेज रोशनी और पिंड निकलते हैं तो यह बिल्कुल चमक उठता है, और इसीलिए इसको व्हाइट होल्स कहते हैं। विज्ञान का भी मूल सिद्धांत यही है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी खत्म नहीं की जा सकती है। उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रहता जरूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये व्हाइट होल्स, कि जो एनर्जी ब्लैक होल्स ने अपने अंदर समा ली है वह इस व्हाइट होल्स के जरिए ही निकलती है, यानी किसी और दुनिया में, किसी और ब्रह्मांड में। यानी दोस्तों, इससे यह भी साबित हो गया कि अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया के दरवाजे मौजूद होते हैं, जिससे अपनी दुनिया से परे दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। तो फिर इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया की खोज करने में क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा में बहुत ही ज्यादा दूर है, और इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर मनुष्य इसके आसपास ही पहुंचेगा तो वह इसकी ताकत से पहले ही मर जाएगा, और अगर यान भी भेजेगा तो वह भी टूटकर खत्म हो जाएगा। यह तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसकी ग्रेविटी की यह ताकत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर समय भी धीमा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप इसे व्हाइट होल के दूसरे दरवाजे ब्लैक होल से घुसने के लिए 2 मिनट का समय भी लगाते हैं तो उतनी देर में हो सकता है कि धरती पर 20 साल गुजर चुके हों। सुनने में आपको यह अटपटा लग सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड का यही सच है, चाहे आप इसको मानो या नहीं मानो, लेकिन सच बदलेगा नहीं। और सच यही है कि इसके आसपास आते ही समय रुक जाता है, धीमा सा हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यह ब्रह्मांड कभी अपने रहस्य सुलझने नहीं देता, क्योंकि मानव अगर यह रहस्य सुलझा लेगा तो भगवान ही बन जाएगा। जो भी हो, यह अनसुलझा दूसरी दुनिया का रहस्य हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम इसे नहीं सुलझा सकते, और शायद इस रहस्य का रहस्य रहना ही मानव जाति के लिए अच्छा होगा, वरना यह ब्रह्मांड इसे इस तरह नहीं रचता। दोस्तों, इससे एक बात तो यह भी साबित होती है कि यह सिद्धांत सिर्फ हम मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो वे दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने भी इसी दरवाजे का उपयोग करके आ सकते थे। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा ही कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ रहस्य अगर रहस्य ही रहें तो ही अच्छा होता है, और शायद हमें भी इसे दूसरी दुनिया को जोड़ने वाले रास्ते से दूर ही रहना चाहिए तो ही अच्छा होगा। आपके दोस्तों इस रहस्य के बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।